तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो टाइटल और थंबनेल पढ़ा है वो बिल्कुल एकदम सही पढ़ा है। मेरी जॉब छूट गई, वो कैसे हुआ और क्या प्रोसेस रहा वहाँ पे, तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो में आगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा वीडियो आ नहीं पा रहे हैं प्रॉपर प्रॉपर इन द सेंस प्रॉपर तो वैसे भी नहीं आते हैं, आई नो, लेकिन ये ज़रूर था कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस तो आराम से आ जाते थे। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक वीडियो आया था, वो भी रात में मैंने 12 बजे पब्लिश किया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर जॉब छोड़ने का एक सीधा सा मतलब ये है कि अब मुझे नेक्स्ट कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल गई है और मैं वहाँ पे मूव हो रहा हूँ। सो मैंने यहाँ से मैं निकाला नहीं गया या टर्मिनेट नहीं किया गया, मैंने जैसे यहाँ पे रिजिग्नेशन डाला है, मैंने अपनी करेंट कंपनी को रिज़ाइन किया है और मैं नेक्स्ट कंपनी अब मूव कर रहा हूँ। एंड और वहाँ पर मैं जा रहा हूँ एज अ सीनियर सिस्टम इंजीनियर। तो वहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल होगी एज अ सीनियर सिस्टम इंजीनियर होगी, लाइक जो TL वगैरह होते हैं, टीम लीडर वगैरह। तो एंड दोस्तों, अभी मेरा थोड़ा सा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चल रही हैं और जैसे ही लगभग 3 से 4 दिन वो प्रोसेस होता है, आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट हो जाता है, तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर शो कराऊंगा। एंड आज मैं थोड़ा सा गया था उसी के काम से और पिछले 7-8 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से, कभी ये डॉक्यूमेंट्स, कभी वो डॉक्यूमेंट्स, कभी वहाँ पे वेरिफिकेशन, कभी वहाँ पे जाना, कभी क्लाइंट साइट पे जाना, यानी कि इतना बहुत बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और होपफुली कि आने वाले दिनों में वीडियोस आपको फिर से वैसे ही मिलेंगे रेगुलर इन द सेंस कि हफ्ते में 2 या 3 या 4 वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे आया हूँ एज आ बस यूं ही थोड़ा सा लोगों को नॉलेज देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे वीडियोस जो रहते हैं वो मोनेटाइज होते ही नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब की रूल्स और पॉलिसीज़ हैं वो सारी एकदम मेरे वीडियोज़ के अगेंस्ट हैं, सारी खिलाफ़ हैं, इसलिए ज़्यादातर वीडियोज़ मेरे मोनेटाइज नहीं होते हैं। एंड मुझे से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वीडियोज़ मेरे मोनेटाइज होते हैं कि नहीं होते हैं, बट बेसिकली मेरे जरिए किसी को जॉब मिल जाए, किसी को किसी तरीके से प्लेसमेंट मिल जाए और उसका जो फ्यूचर है वो एक सक्सेस होने की लाइक ट्रैक पे आ जाए, तो वही बस मेरा मकसद रहता है लोगों को बताना, यानी कि क्या जो पॉसिबल हो सकता है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, यार जितना कर पाओ। मैं बोलते हैं ना कि शायद महाभारत में कहा गया कि अगर झूठ धर्म के लिए बोला जाए तो वो भी धर्म होता है, झूठ नहीं होता है। तो अगर अपने करियर या अपने फ्यूचर के लिए उतना कर रहे हो तो बेटर है, अपॉर्चुनिटी देखते रहो और जॉब देखते रहो। बाकी फ्रस्ट्रेट कभी मत हो, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो ये मान के चलो कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी कंपनीज में, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब करने वाले बंदे को एक लिमिटेड टाइम हो जाता है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए छुट्टी मांगोगे 1, 2, 3, 4 छुट्टी, महीने में 1 या 2 मैक्स हो जाता है। जॉब करते हुए बंदा अगर जॉब दूसरी सर्च कर रहा तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं, तो लगे रहो, एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कैसा क्या माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, बाकी प्रोफाइल भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है वहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है। तो बस दोस्तों, फाइनली यही था कि मैंने कंपनी को रिज़ाइन किया, नेक्स्ट कंपनी में मूव कर रहा हूँ जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो और मैं इस पर जॉब्स, टेक्नोलॉजीज़ या एक्सपीरियंस लेटर वगैरह के बारे में वीडियो से लाता रहा। तो मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड जय हिंद, जय भारत। And don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for coming here.